हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ खुशबू सिंह। आज की वीडियो में मैं आपको ले चलती हूँ असम की तरफ और वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ी को ड्रेप करना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि असम की जो ट्रेडिशनल साड़ी है उसको कहते हैं मेखला चादर। और जिस तरीके से ये दो वर्ड में सुनाई दे रहा है ना, साड़ी भी दो पीस में ही आती है। एक बॉटम साइड पे ड्रेप होती है और एक हमारे अपर बॉडी पे। तो जो बॉटम साइड पे ड्रेप होती है उसको हम मेखला कहते हैं। और ये ना ट्यूब टाइप का होता है, इसका दोनों ही साइड बिल्कुल परफेक्टली स्टिच्ड होता है। और इसको पहनने के लिए आपको इसको ऊपर की साइड से डालना होगा या नीचे की साइड से आप पैर डाल सकते हो इसमें। ये रनिंग साड़ी की तरह नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल प्लेन है और कुछ पार्ट में डिज़ाइन है। तो जो प्लेन वाला हिस्सा है ना, उसको आप अपनी कमर पे पीछे की साइड पे रखिएगा, बैक साइड पे। और जो एक्स्ट्रा प्लेन का कपड़ा बच रहा है, प्लेन वाला साइड, उसको आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखिएगा। तो ये मेरी साइड है राइट साइड, ये बैक, और यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट साइड। तब आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये फैब्रिक आपको अपनी कमर पे सेट करनी है। चलिए अब इसको ना हम टक कर लेते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी पेटीकोट थोड़ी नेवल से नीचे की साइड पे, क्योंकि साड़ी की जो ये चौड़ाई है ना, थोड़ी मुझे कम लग रही थी, इसलिए पेटीकोट थोड़ा मैंने नीचे कर दिया है। अब आ जाते हैं सेंटर प्लीट के लिए। तो इस साड़ी में जो प्लीट्स आती हैं हमारी, वो हमेशा राइट हैंड की तरफ होती है, ठीक है। तो हम अपनी राइट हैंड साइड से ही प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें सिंपली हमें प्लीट्स बनाने के लिए ना, अपने हाथों को टमी के ऊपर रखना है, उंगली से बस फंसा फंसा कर इसमें हमें प्लीट्स बनाना है। तो इससे ज़्यादा इजी ट्रिक मुझे नहीं लगता कि और भी कोई हो सकती है। बिगनर्स बहुत आसानी से इस ट्रिक को कैच कर सकती हैं, तो ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। अब प्लेन वाले साइड पे ना एक प्लीट आपको दिख रहा होगा कि बन चुका है, टेंशन मत लीजिए। अभी जब हम इसमें अपनी चादर को ड्रेप करेंगे तो ये परफेक्टली उसको कवर कर लेगा। तो सिंपली आप अपना ध्यान रखिए कि हमें प्लीट्स को परफेक्ट बनाना है और सभी प्लीट्स की डायरेक्शन को अपने राइट हैंड की तरफ रखना है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से प्लीट्स नज़र आ रही होंगी। अब सिंपली हमें इसको टक करना है, एंड टक करने के बाद हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इस प्लीट्स को सिक्योर नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि उठने बैठने टाइम प्लीट्स निकल आएँ। तो इसलिए सेंटर प्लीट पे आपको सेफ्टी पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपने सेंटर प्लीट पे लगा दिया सेफ्टी पिन। अब जो इसका दूसरा पीस है, जो चादर है, उसका आप अगर दोनों ही किनारों पे देखोगे ना, तो दोनों किनारों पे आपको सेम डिज़ाइन दिखेगा। तो आप किसी भी साइड से प्लीट्स बनाना शुरू कर सकते हो। तो पहले हम इसको प्लीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्लीट्स बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस हम करेंगे, क्योंकि वो सबसे इजी है। इसमें हम अपनी प्लीट्स का, जो हमारे कोई सा भी कॉर्नर आप ले लीजिएगा और उसको टमी पे रख के पतले पतले प्लीट्स में आप उठा लीजिएगा। तो मुझे पतले पतले प्लीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसको पतले प्लीट्स में ही गैदर किया। आप चौड़े प्लीट्स भी बना सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। अब जैसे आपने इसको पकड़ा है, ठीक उसी तरीके से कुछ लेंथ इसको वैसे ही एज इट इज़ आप ग्रैब कर लीजिएगा। अब आपको अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रखकर इसका लेंथ मेज़र करना है। तो हमेशा घुटने तक की लेंथ या उससे नीचे तक की लेंथ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी इस टाइप की साड़ी में। अब कंधे की पिन कहाँ लगाना है ब्लाउज में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि गर्दन से जितने दूर तक आपका कंधे का पिन लगेगा, आपका शोल्डर प्लीट्स उतना ही अच्छा रहेगा। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे ब्लाउज के ना इस एंड वाले, मतलब जहाँ पे मेरा बाजू जो है वो ख़त्म हो रहा है, मैं वहीं पे लगा रही हूँ पिन। अब जहाँ पे हमने कंधे की पिन लगाई है ना, उससे हल्का सा नीचे, बिल्कुल उसी स्ट्रेट लाइन करते हुए हम नीचे की तरफ एक छोटा सा फर्स्ट प्लीट में प्लीट बनाएंगे, एंड देन वहाँ पे सिक्योर करेंगे। ऐसा करने से ना प्लीट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होकर जाता है बैक की साइड पे, और ये ज़्यादा हमारे नेक को टच नहीं करता है। तो ये आप देख सकते हो, इसकी वजह से आप गले में जो कुछ भी पहनोगे ज्वेलरी, वो बहुत अच्छे से दिखेगा और आपकी साड़ी से हाइड नहीं होगा। अब हमको इसको घुमा करना ले आना है कमर के पास, और जहाँ पे आपने अपनी प्लीट को सिक्योर किया था ना सेफ्टी पिन से, ठीक उसी प्लेस पे रखिएगा। अब फिर नीचे की साइड से छोटे छोटे प्लीट्स, ज़्यादा नहीं, 3 क्वांटिटी में उठाइएगा और इसको सिक्योर कीजिएगा। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपको मेखला में बहुत सुंदर दिखाएगा, अट्रैक्टिव लुक देगा।
आपकी हिप प्लीट्स परफेक्ट नजर आएगी। अगर आपको लगता है कि इस पिन से आपकी साड़ी डैमेज हो सकती है तो पिन में एक मोती डाल दीजिएगा। मोती नहीं है तो कागज के टुकड़े को 4-5 बार फोल्ड करके रख लीजिएगा। तो अब देखिए, इस साइड से आपका जो फिगर होता है बहुत अच्छा दिखता है। आपका कमर वाला ये चीज़ बिल्कुल क्लीन हो जाता है, परफेक्ट शेप में नज़र आता है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव लुक देगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब साइड में जो हमने ये छोड़ा था ना लेंथ, इसको हमें ज़िगज़ैग प्लीट्स में कन्वर्ट करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्लीट जो है वो प्लेन यहाँ कपड़े में गैदर हो गई थी, तो अब आप इस तरीके से अगर चादर को ड्रेप करोगे ना तो आपका वो जो प्लेन वाला पोर्शन होगा वो बहुत अच्छे से हाइड हो जाएगा और पूरा लुक परफेक्ट और इवन डिज़ाइन में लगेगा। अब इसको थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मैंने वेस्ट चेन कैरी कर लिया है। आई नो इस टाइप के ऑक्सीडाइज वेस्ट चेन के साथ ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज ही अच्छी लगती हैं, बट मुझे जो मिला इसके साथ मैंने वो कैरी कर लिया है। पल्लू अगर आपके साथ भी फैलने वाली प्रॉब्लम होती है तो पल्लू में ना एक जिगजैग वाली साड़ी पिन आती है, आप उसको क्लिप भी बोल सकते हो, वो साड़ी में होल्स क्रिएट नहीं करती, वो आप लगा लीजिएगा। और फिर बस हो गया आपका ये साड़ी कंप्लीट। तो कैसा लगा आज का ये मेखला चादर ड्रेपिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।